हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। सो गाइस, आज की वीडियो जितने भी 2025 बैच के स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो आज की वीडियो को ध्यान से देख लेना, इन हायरिंग्स को बहुत ध्यान से देख लेना एंड इन हायरिंग्स में जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लेना, क्योंकि इन हायरिंग्स में जैसे आप अप्लाई करोगे यहां से आपको डायरेक्ट इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अगर आप लोग शॉर्ट लिस्ट होते हो, अगर आपकी एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्ट होती है, सो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू मेल आने वाली है। सो इन हायरिंग्स के बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। हम 2-3 हायरिंग्स देखने वाले हैं एंड जल्दी से जल्दी जाके अप्लाई कर लेना। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा सारी हायरिंग्स का, बट वीडियो एंड तक देखना, तभी आपको हर एक हायरिंग के बारे में पता चलेगा एंड कैसे अप्लाई करना है, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, काफी स्टूडेंट नॉर्मल अप्लाई कर लेते हैं, बट हमें नॉर्मल अप्लाई नहीं करना है। कुछ कुछ चीजें होती है जिनका हमें ध्यान रख के अप्लाई करना है। वो सारी चीजें, सारी हायरिंग्स के बारे में पूरी डिटेल में मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। सो जितने स्टूडेंट ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए एंड आप तुरंत के तुरंत वीडियो देख के हायरिंग्स में अप्लाई कर लो। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सो सबसे पहली हायरिंग होने वाली है डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग इंटर्नशिप। ये इंटर्नशिप 2025 वाले स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी देख सकते हो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, MBA स्टूडेंट, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट हैं, MBA वाले स्टूडेंट हैं, MCA वाले स्टूडेंट हैं, आप लोग भी इस हायरिंग में अप्लाई कर सकते हो। अभी बात करते हैं लेटेस्ट हायरिंग होने वाली 13 जून 2025 एंड कभी भी ये हायरिंग यहाँ पे क्लोज हो सकती है। ऑलरेडी आप लोग देख सकते हो 1567 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अप्लाई कर लिया एंड क्विक अप्लाई पे जैसे आप क्लिक करोगे 2-3 मिनट आपको लगने वाली है आपकी एप्लीकेशन फिल करने में। आपका तुरंत का तुरंत क्विक के क्विक अप्लाई हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। सो एक एक करके सारी हायरिंग के बारे में आप लोग को बता देता हूँ। सो एक बार जॉब डिटेल्स ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेते हैं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाइथन बेसिक्स एंड मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट। अब काफी स्टूडेंट को पाइथन नहीं आती होगी, मशीन लर्निंग नहीं आती होगी। सो आप लोग सोच रहे होगी कि भैया हम इन हायरिंग में भर के क्या करते हैं। देखो, आप लोग को ये चीज नहीं देखनी है कि मुझे क्या आता है, आप लोग को हर एक हायरिंग में अप्लाई करना है। हो सकता है कि आपको वहां से इंटरव्यू का रेस्पॉन्स आ जाए, आप लोगों के पास इंटरव्यू की मेल आ जाए। जैसे आपकी इंटरव्यू की मेल आएगी, आपको टाइम मिलेगा 3-4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर। उस टाइम ऑफ पीरियड में आप प्रिपेयर कर सकते हो, उस टाइम ऑफ पीरियड में आप पाइथन पढ़ सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है। अगर आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, लाइक एक जावा आपको आती है, C++ आती है, सो पाइथन या दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना हार्डली 2-3 दिन का काम है। ठीक है, सो हर एक स्टूडेंट को इन हायरिंग्स में अप्लाई करना है। सो यहाँ पे पाइथन के आपके बेसिक्स, मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट, एक्सपीरियंस विद डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन टूल्स, पांडास, मैट, प्लॉटलिब, फैमिलियरिटीज विद मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज, मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज होती है बहुत सारी, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन स्किल, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली एंड एज ए पार्ट ऑफ ए टीम, एलिजिबिलिटी ये विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल कोर्सेज आर एलिजिबल टू अप्लाई। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स BCA से हो गए, बहुत सारे स्टूडेंट्स BTech से हो गए, बहुत सारे स्टूडेंट MCA से हो गए, आप सभी स्टूडेंट इन हायरिंग में अप्लाई कर सकते हो। नो प्रायर एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, कोई आपका एक्सपीरियंस की यहाँ पे नीड नहीं है। ठीक है, सो आपको जल्दी से जल्दी कोई अप्लाई पे जाके अप्लाई कर लेना। मूव टू द नेक्स्ट हायरिंग। अब जो हायरिंग होने वाली है ये आप लोग की अपस्टॉक कंपनी, जो आप लोग ने नाम सुना होगा, एक काफी अच्छी कंपनी अपस्टॉक, SD फुल स्टैक इंटर्न। अब ये इंटर्नशिप की हायरिंग 2025 बैच वाले स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। आप लोग को यहाँ पे सिंपली अप्लाई करना है, बट आपको पता है अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करते हो तो आपको रेस्पॉन्स नहीं आता है, आपको सिर्फ अनफॉर्चुनेटली वाली मेल आएगी। बट आपको रेफरल लेके अप्लाई करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि भैया इन हायरिंग्स में रेफरल कैसे मिलेगा। सो एक सिंपली आपको करना क्या है, मैं डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, फ्री में आपको रेफरल मिल जाएगा, बहुत कम टाइम के अंदर आपको रेफरल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको ये आपने खोल ली, मैं आप लोग को जॉब लिंक दे दूंगा। ठीक है, जस्ट आपको कॉपी पेस्ट करना है। जैसे आपने इसको कॉपी पेस्ट किया एंड आपको यहाँ पे टॉप मेट पे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, बिल्कुल फ्री में आपको रेफरल मिल जाएगा। कोई एक सिंगल पैनी, एक सिंगल पैसा आप लोग को नहीं देना है। यहाँ पे आप लोग को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। जैसे आप लोग अप्लाई करोगे, सो यहाँ पे जितने भी इंजीनियर्स इस कंपनी के अंदर काम करते हैं वो आप लोग के लिए लिस्ट आ जाएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जॉब डिटेल्स, SD फुल स्टैक इंटर्न, जो भी हमने कॉपी पेस्ट किया था। Here's who can refer you, which is most important part. So, अब आप लोग की एक प्रॉब्लम भी सोल्व हो चुकी है। काफी स्टूडेंट डायरेक्टली अप्लाई करते थे बट वहां पे अनफॉर्चुनेटली की मेल आती थी।
हर एक स्टूडेंट को रेफरल लेके अप्लाई करना है। रेफरल कैसे लेना है, बिल्कुल फ्री में रेफरल मिल जाएगा, वो मैंने आपको बता दिया। आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा इस हायरिंग का, आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। एंड इस प्लेटफॉर्म का टॉपमेट का भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे आपको अप्लाई पे जाना है एसडी फुल स्टैक। अब आपको देखो बहुत सारे यहाँ पे दिख जाएंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एक्सपर्ट्स जिनसे आप रेफरल ले सकते हो, ठीक है। सो अब आपको करना है कि आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हो, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने सुमित गुप्ता पे यहाँ पे क्लिक कर दिया, जैसे आपने यहाँ पे सुमित गुप्ता पे क्लिक किया एंड यहाँ पे बहुत सारे और अदर्स से आ जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो यहाँ पे बहुत सारे हमारे आप लोग देख सकते हो एक्सपर्ट्स आ चुके हैं। अब आप इनसे क्या कर सकते हो, अब आप इनसे बहुत इजिली रेफर ले सकते हो। अब आपको रेफरल जो लेना है डिस्कवरी कॉल, अब यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग मैनेजर एट द रेट आप स्टॉक या फिर आप यहाँ पे देखो एसडी, जो एसडी है क्योंकि एसडी प्रोफाइल पे हायरिंग है, सो अगर आप एसडी से लोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अब यहाँ पे आप लोग को करना क्या है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो उनकी कोई सर्विसेस नहीं है, सो आप दूसरी प्रोफाइल पे जा सकते हो, आप दीपक चनानी के पास जा सकते हो एंड बहुत सारे और अदर एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, आप उनके पास जा सकते हो एंड यहाँ पे आपको डिस्कवरी कॉल लेनी है। जैसे आप डिस्कवरी कॉल लेते हो, आप लोग अपना टाइम ऑफ पीरियड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, आप सैटरडे संडे एंड कंफर्म डिटेल करके आपका बिल्कुल फ्री में आपको रेफरल मिल जाएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप 300 रुपीज देख रहे होगे, बट ये आपको हटा देना है। यहाँ पे आपको नेम, ईमेल और फोन नंबर फिल करके बुक सेशन करके बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पे रेफरल मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, जस्ट आपको कॉपी पेस्ट करना है लिंक्डइन की जो भी हायरिंग्स है एंड जैसे यहाँ पे हायरिंग है आपको कॉपी पेस्ट करके अप्लाई करना है, ठीक है। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट हायरिंग के बारे में, जो रहने वाली है आपकी परफॉर्मेंस इंजीनियर एंड एक बहुत बड़ी कंपनी है रोल्स रॉयस, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ परफॉर्मेंस इंजीनियर, अभी रोल्स रॉयस एलिजिबिलिटी है फ्रेशर पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट। सो इस हायरिंग में भी आप लोग को अप्लाई करना है, यहाँ पे आप रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेना, C++, MATLAB, Python, highly numerate with strong technical and analytic skill. अगर आपकी टेक्निकल स्किल्स अच्छी है तो आप इस हायरिंग के लिए एलिजिबल हो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट हायरिंग, फुल स्टैक डेवलपर इंटर्नशिप, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हायरिंग। यहाँ से आप लोग को देखो जितने भी स्टार्टअप होते हैं, इन स्टार्टअप्स में आप लोग को डायरेक्ट इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, यहाँ पे बहुत कम असेसमेंट होते हैं, सो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है इस कंपनी के अंदर। आप लोग को कोई अप्लाई पे जाके अप्लाई करना है। एलिजिबिलिटी 2025 बैच, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, फ्रेशर, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट। रिक्वायरमेंट एक बार पढ़ लेते हैं, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिएक्ट जेएस प्रिंसिपल एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, प्रोफिशिएंसी इन एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट, एक्सपीरियंस विद स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी लाइक रिडक्स, फैमिलियरिटी विद टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स, ठीक है, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली एज अ पार्ट ऑफ टीम, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अब यहाँ पे लिखा है फ्रेशर फ्रॉम 2023 एंड 2024, सो मैं आप लोग को बोलूंगा 2025 बैच को भी आप लोग भी इस अप्लाई में, मतलब इस हायरिंग में अप्लाई कर लेना। देखो कोई आपका नुकसान नहीं है, ठीक है, कोई क्या अप्लाई आप करोगे तुरंत के तुरंत अप्लाई हो जाएगा। सो आप सभी स्टूडेंट को बोलूंगा, 2025 स्टूडेंट को बोलूंगा इस हायरिंग में आप अप्लाई कर लेना। ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, आपको कोई रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, आपको कोई मेल नहीं आएगी रिवर्ट बैक, बट अदर हायरिंग्स जो है ये आप लोग के लिए रहने वाले बिल्कुल प्योरली, इन हायरिंग्स से आपको रिवर्ट बैक आने के चांसेस काफी ज्यादा है। सो सारी हायरिंग्स का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना एंड जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए, ऐसी इंपॉर्टेंट हायरिंग्स के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।